सो हे यार, आप लोग कैसे हो? मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीपटेक यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने यूट्यूब को वीटा वर्जन में, आप कैसे क्लासिक वर्जन में मतलब कन्वर्ट करके आप यूट्यूब को यूज कर सकते हो। इससे रिलेटेड आप लोगों को यूट्यूब पर कई सारे वीडियो मिल जाते हैं। एक्चुअली मेरा भी एक वीडियो है, अगर वो वीडियो आप लोगों को नहीं देखा तो आप उस वीडियो का लिंक आई बटन में मैं दे दिया, आप वहां से भी देख सकते हो, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को उस वीडियो का लिंक आई बटन मतलब मिल जाएगा। आप लोग तो उस वीडियो को जरूर देखें। एक्चुअली उस वीडियो को पर मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई मतलब वो प्रॉब्लम हो रहा है क्लासिक स्टूडियो मतलब नहीं आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि दौड़ता हुआ इंसान, उसमें मतलब कुछ ऐसा यूट्यूब का लोगो था कि नहीं आ रहा है, तो कैसे हम यूट्यूब को क्लासिक वर्जन में यूज कर सकते। तो उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यार कि आप लोग कैसे अपने यूट्यूब को मतलब क्रिएटिव स्टूडियो से मतलब क्रिएटिव स्टूडियो में कन्वर्ट कर सकते हो वीटा यूट्यूब स्टूडियो से। तो आप लोगों को अगर पूरी डिटेल जानना तो इस वीडियो को पूरी देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दें, ऐसे ही आगे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे यार, तो सबसे पहला आप लोग करना क्या है, सबसे पहला अगर आप चाहते हो कि हम अपने मतलब यूट्यूब स्टूडियो को क्लासिक वर्जन में यूज करना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले अपने कोई सा भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है यूट्यूब। जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउजर को यूज कर रहा हूँ। क्रोम ब्राउजर की यूज करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ दो तीन स्टेप जो कि यूट्यूब को क्लासिक वर्जन करने में हमें बहुत मदद मिलता था। पहला तो रहता था कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद आप लोगों के यहाँ से कस्टमाइज पर क्लिक कर देना होता है। कस्टमाइज पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को मतलब लोडिंग स्टार्ट होने तक आप लोगों को वेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ मतलब अपने चैनल के सब्सक्राइबर वाले आइकन पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना होता था। तो जैसे ही आप क्लिक करते तो आपके सामने क्लासिक वर्जन आ जाता था। और अब देख सकते हो ऐसा कुछ आपके सामने मतलब नहीं आने वाला है, क्लासिक वर्जन ए मतलब यू स्टूडियो का वीटा वर्जन ही आने वाला है। अब मैं नीचे यहाँ बता दूँ, सेटिंग के नीचे बीच वाला आइकन रहता था दौड़ता हुआ इंसान, तो इस पर भी आप क्लिक करते थे तो आप लोगों को मतलब क्लासिक वर्जन देखने को मिल जाता था यूट्यूब स्टूडियो में। एक्चुअली इसी पर मेरा पहला वाला वीडियो था, तो उस पर बहुत लोग मेरे कमेंट करके भाई दौड़ता हुआ इंसान नया प्रोग्राम हो रहा वीडियो कुछ ऐसा हो ऐसा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वीडियो में कोई फॉल्ट नहीं है। यूट्यूब ने इसलिए इसका अपडेट पहले ही बोल दिया था कि यूट्यूब में आप क्लासिक वर्जन का कोई सा भी फंक्शन नहीं रहेगा हायर, यानी कि यूट्यूब को आप कहीं पर भी क्लासिक वर्जन में आप यूज नहीं कर सकते, यानी अब वो क्लासिक वर्जन हट चुका है। तो मैं आप लोगों को यही जानकारी देना चाहता था कि अब आप YouTube को क्लासिक वर्जन नहीं चला सकते हो, आप YouTube का सिर्फ वीटा वर्जन ही यूज कर सकते हो। तो कितने लोगों को दिक्कत हो रहा है कि YouTube का वीटा वर्जन उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की YouTube वीटा वर्जन में काम करने में दिक्कत होता है कि हमें YouTube के वीटा वर्जन में काम करने नहीं आता, कौन सा कहाँ सा सेटिंग है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाता जाऊँगा कि थंबनेल कैसे लगाते हैं, टाइटल कैसे लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं, टैग्स कैसे लगाते हैं, यहाँ तक कि आप आई बटन में वीडियो कैसे लगा सकते हो। अब मतलब जो वीडियो का एंड में होता है, दो तीन वीडियो चैनल आता है, तो वो एंड वीडियो कैसे लगा सकते हो, चैनल का वाटरमार्क कैसे लगा सकते हो, एक्चुअली चैनल का वाटरमार्क कैसे लगा सकते, उसका मैंने पहले कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। और यहाँ से कुछ वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जैसे कि आप लोगों को पहला मैं बताया कि आप कैसे मतलब अथी लगा सकते हो वाटरमार्क, और दूसरा है कि आप कैसे वीडियो को लास्ट में जो दो तीन वीडियो आता है मतलब एंड वीडियो में दो तीन को, तो आप उस पर मैं भी एक वीडियो बना चुका हूँ पहले ही कंप्लीटेड, अब उसका भी लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाता है देखने को। अगर आप लोगों को दिक्कत होता है कि हमें मतलब वीडियो में ऐसे उसे मतलब कुछ भी लगाना है, तो आप मतलब प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर बहुत जल्द वीडियो तुरंत अपलोड बनाकर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद पड़े तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय।